हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर कुछ लाइट्स डालने वाला हूँ। हमारे आम दिनों में और हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमने ये वर्ड को कई बार सुना है, इसे डिप्रेशन कहते हैं। कई लोगों ने इसका जिक्र किया है अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर्स, बट कभी भी कोई इसे खुलकर जाहिर नहीं कर पाता है और कई बार इसके जो परिणाम है वो काफ़ी दर्दनाक होते हैं। जी हाँ, कई लोग जो हैं वो एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं अपनी लाइफ एंड करने का, जो कि डिप्रेशन में होते हैं। डिप्रेशन वर्ड जो है वो काफ़ी आम होते जा रहा है और बड़े हमारी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई है, लग्जरियस हो गई है, सारी सुख सुविधाएँ हैं, लेकिन फिर भी हमें जो वो खुशी पहले मिलती थी जब हमें हमारे पास इतना कुछ नहीं होता था, आज उतनी खुशी हम महसूस नहीं करते हैं। इतना सब होने के बाद भी हम कुछ कमी हमेशा महसूस करते हैं हमारी लाइफ में, और हम उसके अंदर घुसते ही चले जाते हैं और अपनी लाइफ में एक सैडनेस ही आ जाती है, हम लोनली फील करना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं लोग, उन्हें पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन के शिकार है, बिकॉज वो लोग अपने जो दोस्त होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनसे काफ़ी कनेक्शन तोड़ चुके होते हैं और वो उनसे शेयर ही नहीं करते। वो अपने ही लाइफ में गुमसुम, अकेलापन में रहना, उसी में वो जीते चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो है, अगर आप ऐसा फील करते हैं तो डेफिनेटली आपको, अगर फैमिली मेम्बर से कंफर्टेबल नहीं है तो एटलीस्ट आपके जो फ्रेंड होंगे, जो सबसे क्लोज फ्रेंड होगा, उससे जरूर शेयर करना चाहिए। कई बार इसके सिम्टम्स देखे गए हैं कि भूख जो है वो कम हो गई है, अचानक से वेट गेन होना शुरू हो गया है, हम हर टाइम कहीं खुद को भटका हुआ महसूस करते हैं और कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है किसी भी चीज़ के अंदर, कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, बोलने के टाइम पर कॉन्फिडेंस नहीं है, स्टैमरिंग करना शुरू कर देते हैं, हकलाना शुरू कर देते हैं। किसी भी चीज़ में हमें जो पहले इंटरेस्ट होता था उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है अब वो चीज़ करने में। पहले बहुत काफ़ी हो सकता है कि आप कोई इंसान पैशनेट हो गिटार बजाने में या फिर क्रिकेट खेलने में, बट अब वो चीज़ जब वो करने जाता है तो उसे इंटरेस्ट फील नहीं होता है अब वो करने में, बिकॉज इसके कई सारे रीज़न हैं। मैं कहूँगा तो हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो गई है और हमारा जो खान पान है वो चेंज हो गया है। जनरली व्हाट वी आर ईटिंग नाउडेज इज, हम फ्राई थिंग्स खाना शुरू कर दिए हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जो कि डेफिनेटली अफेक्ट करता है हमारे बॉडी सिस्टम को, और हम बीमार बहुत जल्दी पड़ने लग जाते हैं, बिकॉज हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है डिप्रेशन के कारण वो अफेक्ट होता है और कोई भी छोटी सी बीमारी हमें इजीली हो जाती है, और ये चीज का हमारे ऊपर मेंटली बहुत इफेक्ट होता है और हम धीरे धीरे अपने आप को कमज़ोर महसूस शुरू कर देते हैं और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाता है। दीपिका पादुकोण ने भी बीच में खुलासा किया था कि वो डिप्रेशन की शिकार हो गई थी, वो अचानक ही रोना शुरू कर देती थी, उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें रोना क्यों आ रहा है, काफ़ी लोनली फील करती थी, डिप्रेस फील करती थी, और कई पॉइंट आता है ऐसा उनकी लाइफ में भी आया है कि उन्हें सुसाइडल फील होना शुरू हो गया था, वो सुसाइड करना चाहती थी, और यही कारण है बहुत सारे लोग जो सुसाइड करते हैं वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है, मान लीजिए अकेलापन अचानक फील होने लग गया है, आपका सब कुछ है फिर भी आप कहीं खोए हुए महसूस करते हैं और खुशी नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर, आप कोई ट्रिप में जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, लेकिन आप वो चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है और वो चीज़ आपको, आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर से शेयर नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट डॉक्टर से ज़रूर शेयर करिए उस चीज़ को। कुछ डेटा मैं बताना चाहूँगा डिप्रेशन के ऊपर, ये वर्ल्ड का डेटा है। लगभग यूएस में 185 लोगों में से एक आदमी डिप्रेशन का शिकार है मेल में, फीमेल में भी लगभग 152 में से एक फीमेल
जो है वो डिप्रेशन की शिकार है। यानी गौर किया जाए तो फीमेल ज्यादा डिप्रेस्ड है मेल के मुकाबलों में। कई बार इसके कारण हो सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया है, और मेटाबॉलिक जो है वो आपका अफेक्ट कर गया है, आपको बीमारियां इजीली होने लग गई हैं। तो इंसान को बहुत मेंटली अफेक्ट करता है कि वो बार बार बीमार क्यों पड़ रहा है, क्यों वो बार 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 उसे दवाइयाँ लेनी पड़ रही है, क्यों वो ठीक नहीं रहता है, क्यों आम लोगों की तरह वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं जी पाता है। बीमारी होने के कारण उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, जो इफिशेंसी है वो कम हो जाती है और उसका वो कॉन्फिडेंस गिराती है, तो वो इंसान अपने ही अंदर घुटना शुरू हो जाता है और अकेलापन महसूस करना शुरू हो जाता है, खुद को गिरा हुआ महसूस करता है दूसरों के मुकाबले, और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना शुरू कर देता है। कई बार देखा गया है कि जो मोस्टली लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या किसी भी तरीके का कैफीन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं, टी कॉफ़ी वगैरह लिमिट में अगर आप लेते हैं तो ठीक है, लेकिन आप किसी भी चीज़ को लिमिट क्रॉस करोगे तो आपके बॉडी सिस्टम को डेफिनेटली वो अफेक्ट करेगी, और डेफिनेटली फिर आपको वो मेंटली अफेक्ट करना शुरू करेगी, और जब वो मेंटली अफेक्ट करना शुरू होती है तो भाई इंसान की ज़िंदगी कहूँगा तो झंड हो जाती है। जो एक एवरेज निकाला गया है कि मोस्टली कौन से एज में लोग ज़्यादा डिप्रेस फील करना शुरू करते हैं, वो है मेल की बात करूँ तो लगभग 35 से 40 ईयर्स की जो एज है वहाँ पर मेल ज़्यादा डिप्रेस फील करना शुरू कर देते हैं। वहीं मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल जो है उनका जो एज है वो थोड़ा एवरेज एज बहुत काफ़ी पहले हो जाता है, यानी लगभग 30 से 35 साल की उम्र में वो डिप्रेस फील करना शुरू कर देती है। इसका कई कारण हो सकता है कि आज जो फीमेल है पहले के मुकाबले हाउसवाइफ नहीं रहना चाहती है, वो मेंस आदमियों के कंधे से कंधे मिला के चलना चाहती है, तो इसी कारण वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और जो फैमिली लाइफ है उसको बैलेंस नहीं कर पाती है। यानी उसको फैमिली पे भी ध्यान देना है, वर्क पे भी ध्यान देना है, तो दोनों में वो घुट जाती है और दोनों की तरफ का प्रेशर वो कई बार हैंडल नहीं कर पाती है, या फिर हैंडल करने की बहुत ट्राई करती है तो उसको वो मेंटली अफेक्ट करना शुरू कर देता है, बट वो ये चीज़ कई बार जिक्र नहीं कर पाती है। लेकिन आप अगर आपके जो भी नज़दीकी दोस्त होंगे या फैमिली मेम्बर होंगे, अगर आप उनमें ये चेंजेस देखते हैं, जैसे अचानक उनको गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे चिड़ चिड़ करना शुरू कर देती है, या फिर वो बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ रही हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर, हर चीज़ में खुद को हारी हुई महसूस करती है, खुद खुद के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है हर छोटी चीज़ के ऊपर, तो समझ जाइए कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, और उसको प्लीज़ सॉल्व करने का ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपका वेट ऑन एन एवरेज 80 के अबाव है तो आपके डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी हाँ, क्योंकि ओबेसिटी इज़ द मेजर कॉज ऑफ द पीपल गेटिंग इनटू डिप्रेशन, बिकॉज अगर आप हेरिडेटरी अगर आपको ओबेसिटी है तो फिर भी मैं कहूँगा कि आपके कम चांसेस है, लेकिन जो कि फास्ट फूड के ऊपर डिपेंड है, अल्कोहल के ऊपर डिपेंड है, उसकी वजह से अगर आपका वजन बढ़ते जा रहा है तो डेफिनेटली वज़न बढ़ना एक हेल्दी बॉडी का साइन नहीं है, आप बीमारियों को अट्रैक्ट करेंगे और बीमारियां जब आपके बार बार आती रहेंगी तो आप डेफिनेटली, मैंने बार बार कहा कि आपको मेंटली अफेक्ट करना शुरू कर देगा और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। यूएस के मुकाबले अगर कंपेयर किया जाए तो इंडियन या एशियन लोग हैं वो कम डिप्रेस्ड हैं उनके मुकाबले, जबकि सबसे ज़्यादा विकसित देश है वो यूएस है, फिर भी वो लोग जो है ज़्यादा डिप्रेस्ड है मुकाबले हमारे एशियन कंट्रीज़ के। क्योंकि तो जैसा मैंने कहा, जैसे ही हमारी सुख सुविधाएं बढ़ने लग गई है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई है और सोशल के नाम पे हमने देखने जाए तो फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया है, अल्कोहल बेवरेजेस वगैरह कंज्यूम करना ज़्यादा ज़्यादा शुरू कर दिया है, और
यही चीज आपको उस और ले जाती है। अब जो मैं है, आपको डिप्रेशन के कारण कितनी डेथ होती है उसका एक आंकड़ा देना चाहूँगा। लगभग जो दुनिया का आंकड़ा है डिप्रेशन के कारण खाली, वो है 13,341। जी हाँ, खाली डिप्रेशन के कारण इतने सारे लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं, और इंडिया का जो आंकड़ा है वो लगभग है 7,500 लोग डिप्रेशन के कारण मरते हैं। और उसमें एक डिप्रेशन में एक यूनिक डिजीज़ है, यूनिपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जी हाँ, इसके कारण ये मौतें हो रही है। सुसाइड का आंकड़ा तो मैं इसमें काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ। सुसाइड डेफिनेटली एक डिप्रेस पर्सन होता है जो लाइफ में एकदम लोनली फील करता है, वो सुसाइड टेंडेंसी के सबसे ज़्यादा हाई होता है उसके अंदर। और सुसाइड वाले लोगों का तो मैं इसके अंदर जिक्र ही नहीं कर रहा, और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो आंकड़ा काफ़ी बड़ा है और चौंकाने वाला है। बिकॉज ऐसे कई बार छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं कि हमारी भूख लगना बंद हो गई है, कई बार हमारा किससे झगड़ा हो जाता है, तो हम हो सकता है कि कई बार खुद को अकेला महसूस करें, तो वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन एक बहुत लॉन्ग टर्म में आपको जो फील हो रहा है, वो कंटिन्यूसली फील हो रहा है एक लॉन्ग पीरियड में, तब वो डिप्रेशन माना जाएगा। मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हो जाता है और वो बहुत अकेला फील करने लग जाता है, बट एक महीने में वो चीज़ से वो बाहर आ जाता है, तो एक महीने में आप डिप्रेशन नहीं कह सकते हो। हो सकता है कि आपको 2 महीना 3 महीना 4 महीना ऐसा ही फील हो रहा है, और आपको हर चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, आप कि जो खाने की क्षमता है वो कम हो गई है, और बहुत जल्दी बीमार पड़ने लग गए हैं। और ये अगर 3-4 सिम्टम्स एक साथ अगर आपके अंदर आपको फील हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि आपको ये चीज़ से बचना चाहिए, और ये चीज़ से बचने के लिए आपको डेफिनेटली अपने दोस्तों से रेगुलरली मिलना चाहिए, उनसे बात शेयर करनी चाहिए, अपने फैमिली में आप घुल मिल कर रहिए, उनसे बातें करिए, उनके लिए टाइम निकालिए, अपना जो सेलफोन है घर पे आते ही उसको कम यूज़ करिए, क्योंकि आजकल हम ये देखते हैं घर में 5 मेंबर है या 5 मेंबर है, सब सेलफोन में लगे हुए हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं है, एक दूसरे से शेयर ही नहीं करते। जब शेयर ही नहीं करोगे तो दुख कम कैसे होगा, ये बहुत पुरानी कहावत है कि दुख बांटने से कम होता है। तो ये जो है हम भूलते जा रहे हैं। अपने दोस्तों को टाइम दीजिए, फैमिली मेम्बर्स को टाइम दीजिए, और मोबाइल का इस्तेमाल कम करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो अंदर की बातें हैं वो शेयर करिए दोस्तों से, तो वो आपको अंदर जो अकेलापन है वो महसूस नहीं होगा, आप खुल जाएंगे, और डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। अगर आप उस डिप्रेशन की ओर बढ़ भी रहे हैं तो वो आपको बचा लेगी। और डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि क्यूरेबल नहीं है, वो डेफिनेटली क्यूरेबल है, अगर आप टाइम पे वो चीज़ को किसी से अपने के साथ शेयर करते हैं, या फिर डॉक्टर की सलाह लेते हैं। तो होप मैं मेरा ये चीज़ का बताने का मकसद यही था कि अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ महसूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा देखिए, कुछ कॉमेडी देखना शुरू करिए, डिप्रेस चीज़ों से दूर रहिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, गेम्स खेलिए, मिलिए, घूमिए, ताकि आप उस चीज़ से बाहर आ सकें। होप अगर आप किसी को ऐसा देखेंगे भी जो ये सारे सिम्टम्स है किसी के अंदर, तो डेफिनेटली उसकी भी हेल्प करिए, उससे उसके मन की बात जानिए, और उसे उस चीज़ से बाहर लाने की कोशिश जरूर करिए। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसे शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाल बटन जरूर दबाइए, और फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ।